डॉक्टर्स का मंगलसूत्र यानी कि स्टेथोस्कोप कैसे इन्वेंट हुआ इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 1816 में डॉक्टर रेने लेनेक नाम के एक डॉक्टर थे। उनके क्लिनिक में एक फीमेल पेशेंट उसके हार्ट डिसीज को कंसल्ट करने के लिए आई थी। अब उस वक्त सारे डॉक्टर्स उनके पेशेंट्स को चेस्ट पर हाथ लगाकर या फिर कान लगाकर हार्ट बीट्स को मॉनिटर करते थे, लेकिन डॉक्टर रेने एक जेंटलमैन थे। उस वक्त उन्हें डायरेक्टली कान या हाथ लगाना बहुत इनअप्रोप्रिएट लगा। तभी डॉक्टर रेने को याद आया कि पाइप की एक साइड में कान लगाकर दूसरी साइड की आवाज हम इजीली सुन सकते हैं। तो उन्होंने एक पेपर को रोल किया और उसी को पाइप बनाकर उस फीमेल पेशेंट की हार्ट बीट्स मॉनिटर की। इससे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हार्ट बीट्स की आवाज भी एम्पलीफाई हो गई। डॉक्टर रेने ने इसी डिवाइस का एक वुडन वर्जन बनाया और स्टेथोस्कोप का पहला वर्जन इन्वेंट किया। धीरे धीरे बाकी डॉक्टर्स ने सिंगल वुडन फनल से बाइनॉरल स्टेथोस्कोप डेवलप किया, जिसका ग्लोबल मार्केट आज लगभग 4,800 करोड़ रुपए का है। सब्सक्राइब करो ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए।